गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज आज मैं बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ स्कूल। सुबह से देखो नहा धो के बिल्कुल एकदम रेडी हो गया हूँ और ये अपनी बाल बना रही है। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग। कितनी तेज धूप आ रही है, मैं बाल सुलझा रही हूँ। अब मैं अभी स्कूल चला जाऊँगा, उसके बाद मैं आऊँगा वहाँ से एक बजे, एक सवा बजे, उसके बाद फिर बनाएंगे आगे का ब्लॉग व्लॉग। ओके गाइज बाय। हेलो गाइस, तो मैं स्कूल से आ गया हूँ और स्कूल से आने के बाद मुझे लग रहा है अपनी भूख। तो ये रहा अपना लंच, तो इसे अब मैं जल्दी से करूँगा फिनिश और उसके बाद अपन देखते हैं कि आगे का क्या है प्रोग्राम। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ छत पे और आज बिट्टू के ट्यूशन की है छुट्टी, तो मैं हूँ छत पे। ये हैं पालतू कबूतर। जो कि छत पे शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं। और यहाँ कहीं है अभी एक बिल्ली जो म्याऊं म्याऊं तो कर रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही है कि कहाँ पर है। वो रही वहाँ नीचे। पर गाइस वो खेल रही है, भाग रही है। और अभी कुछ ऐसा हो रहा है मौसम जिसमें कि काफ़ी हवा चल रही है ठंडी ठंडी और धूप भी है। और कल का वेदर फोरकास्ट मैंने चेक किया था तो कल दिखा रहा था कि मोस्टली पार्शली क्लाउडी रहेगा वेदर, तो पता नहीं ऐसा क्यों रहेगा। पर ये बिल्ली बाहर आ गई, अब ये पता नहीं किसके घर में जाएगी। आज बिट्टू को नहीं जाना है ट्यूशन, तो ये सो रही है यहाँ पे। ये क्यों कर रहे हैं, फोन चला रही बस। आज ट्यूशन नहीं जाना तो बस ऐसे ही सोए जा रही जब से स्कूल से आई। तो तभी से तो सो रही नहीं, फिर 2-3 बजे मतलब क्या देख रहे हैं। तो अब हम पी रहे हैं हमारी शाम की चाय। देखिए इसमें से आ रही है भाप और बाहर हो रहा है सनसेट। ऐसे करके देखिए कहाँ है, यहीं है, कहाँ यहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ ज़रा। तो देखिए इन टंकियों के ऊपर है और हवा अभी भी चल रही है बहुत ही अच्छी। और ये हमारे अंकल लोग आ गए हैं, खा रही है चाय के साथ ये सेव और चाय पी रही है और ये अपनी फाइल वगैरह बना रही है। हम भी इसके सेव अभी हाल खाएंगे। हमारे मोहल्ले में 3 दिन से एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, वो मतलब ऐसे घूम रहा है, उसकी मम्मी नहीं मिल रहा है। वो 2 दिन से यहाँ पर पोल के पास बैठा रहता था और वो नीचे उतार के अपनी मम्मी को ढूंढ रहा, बेचारी की मम्मी नहीं मिल रही, वो वहाँ पीछे है वहाँ पे, वो अपनी मम्मी को आवाज़ दे रहा। बहुत परेशान हो रहा है वो। आई कैन अंडरस्टैंड हिज और हर इमोशंस। तो गाइज मैं मामा के साथ आ गया हूँ हमारे मंदिर पे, जो कि आप देख रहे हैं। तो ये जो मंदिर है ये SM टावर में है, एलाइट के पास। तो मैं यहाँ आया हूँ पूजा कराने को, क्योंकि यहाँ से मुझे मामा की जो बाइक है इसको लेके घर जाना है, क्योंकि उन्हें कहीं काम से जाना होगा, इसलिए मैं ये बाइक लेके घर चला जाऊँगा और फिर सुबह के टाइम उन्हें वापस दे जाएंगे, मतलब देने में घर जाऊँगा। और फिर आपको कल बता दूँगा कल का क्या है, मतलब कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। अभी तो मैं आया हूँ मंदिर में पूजा कराने और ये आ रहे हैं मामा, ये रहे। गाइस रात के बज चुके हैं 8 और मैं मंदिर से आ गया हूँ और जो काम करना था उसे निपटा दिया है। वो बस अब हम घर के अंदर प्रवेश करते हुए, यहाँ सब लोग हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस रात के 8:30 बज गए हैं, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर अपना डिनर और ये बिट्टू पड़ रही है, ये
पापा गहरे विचार विमर्श कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं क्या बोलूं मैं। गाइस अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और मैं अब करूंगा इस ब्लॉग को यहीं एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गई जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।